अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा विज व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो मेरा डेली लाइफ रूटीन का ही व्लॉग है। कुछ स्पेशल नहीं है, वही सुबह उठ के और नाश्ता किया और फ्रेश हुआ एंड देन बैठे हुए मैं सबा और ये नो और ये मुझे लंगड़ी बोल रही है। कल मैंने इतना मस्त की चोट खाई, मैं धड़ाम होके गिरी, जैसे एक्शन मूवी में नहीं गिर जाते कैसे स्वामी उड़ के टार्जन इधर आया धम और सीधा मैं गिर गई। उसके बाद मुझे घुटने में बहुत ज्यादा चोट लगी और स्वामी सुबह से उठते ही उसके बाद का बहुत मजाक उड़ा रही है। आप सब लोग हाँ तो टाइल्स टूटता बहुत जोर से गिरी यार, मैं मतलब एंड लेवल का गिरी। तो मुंह पे थोड़ी लगा है, तो घुटने में लगा है ना, नहीं घुटने में लगा है और मुझे बहुत तकलीफ है घुटने में, घुटना मेरा पूरा स्वेलिंग कर रहा है। नहीं लग रहा होगा क्या आपको? वो अलग बात है कि जब मेरा ऑपरेशन होता है ना बच्चों का तो मम्मी वाले पेशेंट लगते हैं और मैं अटेंडेंट लगती हूँ, वो अलग बात है। अल्लाह ने आवाज और शक्ल ही ऐसी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बहुत बाकी तकलीफ है, सोमा की बात भी जायज है, कहीं से लग नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। हाँ घिर के संभली हूँ। देखे अम्मी आप क्या कहती है, मैदान में कौन शेर सवारी घिरते हैं ना, घिरते हैं शेर सवार मैदान में। हाँ वही तो मैं शेर सवार हूँ। हाँ, मैदान में गिर गए। और ये स्वामी जो मेरी टांग खींचने में खड़ी है, क्या बोलना कुछ हो रही है ना, तो इंसान घिर के ही संभलता है, ठोकर ना खाए वो इंसान ही किया। एग्जैक्टली, पर 3 साल बाद मुझे ठोकर लगी है। फिजिकली ठोकर हो या दिल की तरफ से कोई, पर मैं 3 साल बाद में गिरी हूँ। अभी कितनी गलत बात है यार, अभी ठोकर लगी है मुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी करके आती बेटा? दर्द है यार मुझे, मेरा घुटना जो है वो सूज गया बिल्कुल। बहरहाल ये मेरी एमन फातिमा वो उठ गई है और बेचारी को इधर नाक के साइड पे मच्छर ने भी खाया है, मच्छर की ऐसी की तैसी। और स्वामी के रूटीन में क्या हो रहा है, खीर बन रही है, आज खीर बनेगी और स्वामी बनाएगी गोश्त का पुलाव और ये बनाएंगी हमारी मैडम गोश्त का पुलाव। और अभी कुछ बोलना, बहुत कुछ बोलना चाह रही है पर ये अपने आप को कंट्रोल करे। कंट्रोल मत कर डोलू, बोल दे डोलू तो फिर गुलो खराब करने वाली बात है, तो नहीं बोल प्लीज नहीं बोल। अब ऐसा भी मत बोलिएगा बाद में, अब ऐसे भी नहीं बोलिएगा। खैर गाइस, तो आज बनेगा मेन्यू में है मीठे में खीर और बीफ पुलाव और फिश फ्राई। तो मे बी मैं इन सबके अलग व्लॉग बनाऊं अगर मेरा मूड हुआ और मेरे पास टाइम हुआ तो। अभी जस्ट मुझे हाँ खीर के लिए अम्मी ने चावल अभी तक अभी से चढ़ा लिए हैं, क्योंकि चावल जो है वो हो जाए बिल्कुल। आपको तो चोट लगी, आप बैठ के ही व्लॉग बनाओगी? नहीं मैं खड़ी हो सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल से चल भी रही हूँ। अरे नहीं सुबह में जब लास्ट टाइम वो दो दिन रूटीन वाला था ना, थैंक यू आमा ड्रामा खून छोरी बड़ी ड्रामा खून है दिन 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 दिन। खैर गाइस और यार मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, उस पर भी लोग परेशान हैं, अब तो व्यूज ही नहीं आ रहे कि यार रोज ही की बात कर रही है, रोज की बात कर रही है। बहरहाल गाइस देखिए मुझे सपोर्ट करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, आप नेट वैसे भी यूज करते हैं, यूट्यूब पे हर कोई सब कुछ सर्च कर रहा होता है। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। देखिए झसत मत किया करें, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी व्लॉगर बन सकते हैं मेरी तरह। ये एडिटिंग मुझे कुछ खास नहीं आती, जस्ट मैं वीडियोज मर्ज करके और डाल देती हूँ धुड़ुम करके, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्या सबा व्लॉगिंग कुछ बोलना चाहोगी सबू? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं हाँ बताओ सबा कुछ तो बोलो भाई। हमारी तो यही कोशिश है कि सबा को मेहमत से सिंधी पे लेकर आए। हाँ कुछ गलत कोशिश आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ जी जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा सबा तुम्हें पता चला मैं गिरी, तुम्हें कैसा लगा? अफसोस भी हुआ और मैं लंगड़ा के तो चल रही हूँ, उससे क्या फील हो रहा है तुम्हें? नहीं नहीं मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। दो दुश्मन है ये नागिन है, नागिन बहुत मजा लिया आपके गिरने से, बहुत उड़ के गिरी, उड़ के जैसे कोई कुंफू नहीं वो जैकी चैन के कुंफू नहीं होते ट्रिक्स, वैसी वाकई मैं उड़ के गिरी सच्ची में। दोनों हाथ में मेरे वो प्लेट्स थी, तो प्लेट भी दो टुकड़े में टूट गई, प्लेट भी हमारी प्लेट का भी नुकसान, पिंक कलर हमारी नहीं मेरी भी तेरी पहली।
गाइस ये नंदे जो होती है बड़ी हरामी होती है, आप यहाँ देख ले, ये देखे ये पाँच साल पुरानी है हमें प्लेट। आओ हाँ तो फिर अब तो टूट गई थी ना भाई, हाँ रेगुलर यूज की नहीं थी, पर वो असल में ना उसकी थी हमारी डिनर सेट की थी, चले तेरी भी। देखो सामान घर के बहुओं के होते हैं ना मम्मी, तो मैं तोड़ूंगी और मैं क्यों गिरी, मेरा घुटना टूट सकता था, उसमें से दुख नहीं हो रहा। आप सही सलामत तो अभी अब कहाँ से तोड़वा ले, ताकि बड़ी ने किया तो छोटी भी इसको वो करे, हिसाब बराबर हो जाए। आप देख सकते हो अगर ऐसी सास होगी तो यहाँ पे जितनी भी बहू होगी ना वो इकरा और सबत इसे खराब हो जाएगी, बिलों पे फैला दीजिए बात। और नंदे अगर सास अच्छी होती है, नंद एक नागिन होती है जो आपको डस रही होती है, ये देखे डस रही है मुझे, अब मुंह क्यों छुपा रही है, जो सौ सासों की कमी पूरी करती है। हाँ मेरी सास सास ने मेरी नंद सास से देखे, नहीं नहीं इकरा 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 भाव सुनो, पहली बार है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं सास हूँ, अगर मुझे अपने बेटों से इतनी मोहब्बत है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं सास भी हूँ, मैं अब तक माँ हूँ दोस्तों बेटों के पीछे। ये देखो इसको देखिए, छोटा पे बड़ा धमाका, इसको खाली बात ही करना चाहिए, क्या बोला आपने, अधिक नागिन है मुझे आज सुने, मेरी आंखें खोल दी, खुल गई मेरी, खुल गई, खुल गई ना, नहीं खुली दौर भी खुल। तो गाइस बहरहाल हमारी ये चिटचैट होती रहेगी, हमारे चिक चिक ना चिटचैट जानू, इट वाज इंग्लिश वर्ड चिट एंड चैट, चिट चैट चिट चैट। तो हमारे साथ रहेगा, स्टे ट्यून स्टे सेफ। तो गाइस अम्मी ने अभी बनाई थी कलेजी और बैंगन का भरता जो कि हम लोग खा चुके, मैं सबा सोमी और अभी मैंने अम्मी को रोटियां बनाकर दी और भरते के साथ खाने के लिए, बैंगन का भरता बड़ा लजीज बनाती है अम्मी। ये हमारी जो खीर है वो इन प्रोसेस है, ये सबा रानी खड़ी है वो अम्मी के लिए भरता गरम कर रही है, ये देखिए अब अम्मी खाएंगी शाम का खाना, मतलब दिन का नाश्ता, खाना एक ही होता है, हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं सुबह, देन इस टाइम पे हम लोग अच्छा सा खाना खाते हैं, देन फिर रात में 10-11 बजे खाना खाते हैं। अम्मी चलें खाएं आप। तो गाइज ये सोमी अरम को संभाल रही है अंदर रूम में और एमन को अरम से बचा रही है। जी सोमी क्या कर रही हैं आप, कलेजी कैसी लगी आपको अम्मी की कलेजी? बहुत अच्छी है और मजा आया आपको, ये बोतल आप छुपा के क्यों बजी, ये असल में बिग बॉस देख रही है गाइस, तो इसको और कोई समझ नहीं आ रहा, ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं हम लोग जो कि कल हो चुका है। खैर आगे जो भी करेंगे आपको बताएंगे, मेरे साथ भी स्टे ट्यून स्टे सेफ। जी गाइस तो बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, ये मोहम्मद अरहम का मुझ पर हमला शुरू हो चुका है और अवेज भी आ चुके हैं फिशरी से अभी, और ये है सीन के अब कोई सीन नहीं है क्योंकि मैं अब पहले ही मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि मैं कल बहुत बुरा गिरी थी, और इसके बाद आज जो है वो खाना सोमी बना रही है और अम्मी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन्यू के फिश फ्राई होगी पापा के लिए और पुलाव होगा बीफ एंड खीर होगी जो कि अम्मी बना चुकी हैं, और मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है और अब बैठी हूँ अरहम को सुलाने की कोशिश, एमन फातिमा सो रही है और बस आज का दिन यही गुजरा, अब खाना खा के ऑब्वियसली थोड़ी देर टीवी देख के और फिर सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।